डांस हो चुका है 9:30 का टाइम और हम लोग अभी ना घंटा घर से बाहर है। लस्सी सोचा कि चलो क्या है तो लस्सी पी लेते हैं। देखिए इनको लग रहा है कि हम लोग कुछ खा ले यहाँ इतना पेट भर गया है क्योंकि घर से देखो इसको आज खाए गए पता नहीं क्या हो गया इतना खा रही है। अभी कोई नहीं देखिए हाथ में इसके खाए जा रही है पता नहीं आज कौन सी जगह से। और फ्रेंड्स अभी तो पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है यहीं पे क्योंकि विराट का भी पता नहीं है कितना टाइम लगेगा। उसकी ट्रेन मेरे ख्याल से लेट हो गई है तो देखते हैं विराट कब तक आता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे ना घूम घूम के एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे तो कभी नहीं घूमे मगर आज घूम घूम के हाँ फर्स्ट टाइम है कि हम लोग नाइट में इतना लेट नाइट बाहर है। क्या ले रहे हैं? बर्फी लेंगे। हाँ लस्सी नहीं पी रहे हो आप? लस्सी नहीं पी रहे हो? दूध पियेंगे। ये सही है बढ़िया अपने बढ़िया सेहत वाली कढ़ाई दूध वहाँ है फिर रोड पे हम लोग जाते हैं वही कढ़ाई दूध पीने के जाते हैं। ये ना आप कढ़ाई दूध है यार कढ़ाई दूध यही पियोगे? हाँ देखिए ये पियेंगे कढ़ाई दूध। ये वैसे भी सेहत के मामले में ना बहुत अच्छा ले लिया है सेहत के मामले में ये बहुत बढ़िया। ये हम लोग जैसे ऊटपटांग चीजें खाते ना ये नहीं खाते कभी। ये देखिए यहाँ की ये फेमस दूध की मिठाई है और ये लड़की को देखिए पता नहीं क्या हुई है इसने मिठाई भी खा ली। मुंह नहीं चल रहा मत खाओ दिखाओ अभी से। रखो उसके अंदर उसको सारी सुविधाएं उपलब्ध है। इसको क्या हो गया? पियोगे क्या? पीना है? पीना मुझे बिल्कुल तो यहाँ पे फ्रेंड्स विराट का जो है तो फोन आया है कि अब वो स्टेशन के बाहर मिलेगा। उनके सर का फोन आया है कि वो बाहर मिलेगा तो हम लोग बैठ गए गाड़ी में और ये जो है तो एक किसी बच्चे के और के पेरेंट्स खड़े थे तो उनको बताने गए हैं बस बता के आ रहे हैं फिर हम लोग बाहर निकलते हैं। देखते विराट बाहर कहाँ मिलेगा। वेलकम कानपुर भाई साहब बैठ जाओ पहले तो क्या थके हैं गंदे दर्द कर रहे हैं बहुत तेज शोल्डर पेन कर रहा है। तूने गाड़ी तेज ली थी क्या? ये लोगो हमसे नंबर ये 8 बजे था वही खड़े थे झंडे के पास मैं 8:30 का टाइम बताया था। निकालो यार जल्दी बैग। ये आ रहा क्रिकेटर बच्चा मेरा वो भाग गया ऊपर और ये आ रही सब सामान लेके। चढ़ जाओ गिरोगे तो नहीं आराम से और गेट खुला हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बज चुका है 10 बजे का टाइम और हम लोग अब आए हैं घर लाइट को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो चुका है 10:30 11:11 यहाँ पे इतना 10:45 का टाइम हो चुका है और हम लोग अब घर आए और मेरी तो सांस उखड़ रही है और जुकाम तो पहले से ही हो रखा था और अब बहुत तेज सांस भी फूल रही है। और विराट जो है ना वो इतना ज्यादा थका हुआ है कि पूरी रास्ते उसने हमसे बात ही नहीं करी एक बार भी नहीं बात करी और हम सोच रहे थे कि विराट आएगा तो बहुत सारी बातें करेंगे उसके साथ और उसने ना हमसे बिल्कुल भी बात नहीं करी और गाड़ी भर हमको चुप कराता आया कि आप मत बोलिए। मैंने कहा चलो भाई नहीं बोलते बाहर रह के आया है तो थोड़ा उसका मन नहीं ठीक है तो नहीं बात कर रहा है वो फिलहाल अभी हमसे और पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है शायद थकावट है या जो भी बात हो पता नहीं। तो फ्रेंड्स अभी ना टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा और उसका बात करने का बिल्कुल भी मन है नहीं तो फिर अब ये ले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और वो क्या करके आया है क्या खेल के कैसे करके आया है
कल के व्लॉग में शूट करेंगे, क्योंकि जब हो सकता है रात भर सोने के बाद ना सुबह उसका मूड अच्छा हो जाएगा तो वो बात करेगा, तो फिर कल का व्लॉग जरूर देखिएगा। और ये वाले व्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं, पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और मेरी सांस फूल रही है बहुत तेज़ी से। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।